पुष्कर घाटी के खतरनाक मोड़। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी पुष्कर घाटी घुमाने वाला हूँ। पुष्कर घाटी खतरनाक होने के साथ साथ अपने साथ कई सुंदरताएं भी लिए हुए हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है इस घाटी पर आने के बाद। जो भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है और वह पुष्कर जाता है तो उसकी पहली पसंद पुष्कर घाटी होती है। पुष्कर घाटी देखने के लिए बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, अगर आप पूरी पुष्कर घाटी घूमना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। दोस्तों, ये वीडियो आपको पुष्कर घाटी की सुंदरता और इसके खतरनाक मोड़ दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें और ये आप देख सकते हैं साथ ही साथ कितने खतरनाक मोड़ भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन सुंदरता भी कम घाटी की सुंदरता भी कम नहीं है। ये देख सकते हैं आप मोड़। यहाँ पे बहुत ही संभल कर बाइक वगैरह चलानी पड़ती है। यहाँ पे पुष्कर घाटी के ऊपर की ओर अभी मैं आपको एक बताने वाला हूँ। ऊपर चल के एक घाटी आई डेंजर, जहाँ पे कई एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। हालांकि यहाँ भी चांस है। इस घाटी को नौसर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अभी अपन ऊपर की ओर चलेंगे। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर पहाड़ नज़ारा, काफ़ी शानदार नज़ारा लग रहा है। ये आगे की साइड से एक मोड़ आएगा, जो यहाँ पे बसें जो आती है उन्हों को काफ़ी दिक्कत होती है इन मोड़ों पे। ये मोड़ देख सकते हैं आप, काफ़ी खतरनाक मोड़ लग रहा है। और आगे जो खाई आने वाली है, मतलब पुष्कर घाटी में आगे चल के खाई भी आने वाली है, जो काफ़ी गहरी है। वहाँ पर गिरने के बाद पता ही नहीं चलता है। पहले भी काफ़ी एक्सीडेंट हुए ये रास्ते में। पुष्कर घाटी में महाराणा प्रताप स्मारक है, जो भी रास्ते में आती है पुष्कर घाटी के, अगर आप आओ तो इस स्मारक को भी घूम लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया स्मारक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है। यहाँ से पूरा अजमेर आपको दिखाई देगा। क्या शानदार नज़ारा लग रहा है अजमेर का। आना सागर झील भी यहाँ से दिखाई देगी। और ये आपको आगे जो घाटी दिखाई दे रही है, ये दो पहाड़ को डिवाइड करके बनाया गया रास्ता है। यहाँ पे बीच बीच में कई मंदिर भी आपको दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं, नज़ारे का मज़ा लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार की ये घाटी है। काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है यहाँ का, शानदार नज़ारा लग रहा है। यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है कि आगे जाने से पहले आप अपने बाइक के या जो भी आप लेकर के आए उन्हों के ब्रेक जाँच लें। ये देख सकते हैं घाटी पार होते ही क्या शानदार नज़ारा लगता है। ये पुष्कर का पीछे का हिस्सा चालू हो गया घाटी का। यहाँ पे डेंजरस मोड़ है और अभी आगे चलते हैं जहाँ अधिक खतरा रहता है एक्सीडेंट होने का, वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे अभी आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पे महीने में एक एक्सीडेंट यहाँ पे हमेशा होता है, मोड़ की वजह से होता है। बड़े बड़े वाहन इस घाटी पर आते हैं ऊपर, तो उनको मोड़ के लिए जगह नहीं मिलने के कारण यहाँ पर एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। ये देख सकते हैं आप नीचे घाटी कितनी शानदार लग रही है। ये हरियाली बहुत ही, अगर आप बरसात के दिनों में आओगे तो ये घाटी में काफ़ी ज़्यादा हरियाली आपको नज़र आएगी। एक तरह से नैनीताल की तरह नज़र आएगा। ये वो रोड नीचे जा रहा है। अभी हम काफ़ी ऊँचाई पर है घाटी में और चलते हैं बढ़िया तरीके से आगे। ये देख सकते हैं आप नीचे वो रोड जा रहा है। अभी हमको वहीं जाना है, वो घाटी का निचला हिस्सा है। ये देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक मोड़ है और यहाँ पे रोड की चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं है, कम चौड़ाई है। यहाँ पे मोड़ बहुत ही संभल कर गाड़ी मोड़नी पड़ती है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करने के बाद एक साइड में राइट हैंड की साइड आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसका भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं हम घाटी के नीचे की ओर आ रहे हैं। पुष्कर जाने के लिए रास्ता है, हम अभी ऊपर आप रास्ता देख सकते हैं, हम वहाँ से आए थे। चलते हैं दोस्तों, आगे चलते और भी मज़े लेते हैं। रास्ते क्या शानदार नज़ारा लग रहा है। अगर आप बरसात के टाइम पर आओगे तो बहुत ही बढ़िया, इस रास्ते में आके जा करके आपको वन विभाग की तरफ से कई हिरण भी दिखाई देंगे, जंगली जानवर भी दिखाई देंगे। यहाँ पे बंदरों का अधिक जमावड़ा भी आपको आगे की साइड दिखाई देगा। दोस्तों, काफ़ी शानदार नज़ारा है यहाँ का। और जो भी आए अपने वाहन के साथ, वो संभल करके चलाए, ब्रेक ब्रेक जांच के आए गाड़ी के।
ये सीधा रास्ता जा रहा है, इसमें राइट हैंड की साइड जा रहा है, वो बूढ़ा पुष्कर जा रहा है। मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूंगा और सावित्री माता जी का।